हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एब्रॉक्स टीम्स। यहाँ पर अर्जेंटीनियन लीग का मैच हो रहा है, बैरेकस सेंट्रल वर्सेस अर्जेंटीनस जूनियर के बीच 6:15 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइज, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो मैं कहूँगा कि ये तो माँ घटिया मैच है मेरे भाई। मतलब आप लोगों की डिमांड आ रही थी वीडियो डालने की, तो मैंने ये मैच एनालाइज़ किया, नहीं तो मेरा एक पैसे का मन नहीं था ये मैच खेलने का, क्योंकि हद से ज़्यादा रिस्की मैच है। अर्जेंटीनियन लीग में कुल 28 टीमें खेलती हैं, 28। उन 28 टीमों में से ये दोनों टीमें टॉप 20 से हर बार बाहर रहती हैं, और इनका तो कुछ अलग ही है। बैरकस सेंट्रल इज़ एट 28th नंबर, मतलब 28 की 28 टीम में से 27 टीम अच्छी, ये बुरी, ये हाल है इनका, और ये है 24 नंबर पे। तो ये मैच इतना बकवास है, इतना ज़्यादा मतलब लो स्कोरिंग मैच है, इतना ज़्यादा लो गोल स्कोरिंग मैच है कि आप सोच भी नहीं सकते क्या स्कोर होगा। कोई नहीं जज कर सकता कि 0-0 से ड्रॉ होगा या 1-1 से ड्रॉ होगा कि 1-0 होगा, क्योंकि वहाँ घटिया टीमें आपस में भिड़ रही हैं। बट फिर भी आपने कहा था तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट मेरी पहली राय है स्किप दिस मैच, मत खेलो, ठीक है ये वाला मैच। तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करें, देखिए भाई, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर एम रोमेरो इनका एक बहुत कॉमन प्लेयर है। अभी बेचारे ने कोशिशें करके कुछ ना कुछ आगे पहुंचा था, लेकिन ठीक है ना, मतलब ज़्यादा देर इतने गोल आते नहीं। 12 नवंबर से पहले अगर आप अक्टूबर का महीना देखोगे तो बहुत मार्क इसने एक गोल किया होगा, जो कि बहुत बेकार है। अगर आप साल के अंदर, अगर आप एक सीज़न में 30-32 मैचेस खेलते हो और अगर आप गोल कर रहे हो 7-8, तो वो बुरा रिकॉर्ड है। बट क्या करें भाई, छोटी टीम है। और एस रॉड्रिगोज़ की बात करें, देखिए रॉड्रिगोज़ और वैरोन में से एक खेलेगा, बट आई एम विद ज़ैलेज़र, ठीक है, मैं तो ज़ैलेज़र के साथ यहाँ पर हूँ। और बात करूँ यहाँ पर मिडफील्डिंग की, तो मिडफील्डिंग सेक्शन के अंदर ए लेस्केनो के साथ यहाँ पर जा रहा हूँ, एंड लेस्केनो के बाद एनोरोस बहुत कॉमन है इनका, बहुत मतलब पुराना प्लेयर है। एंड आगे अगर बात करें तो यहाँ पर है आर हरेरा, जो कि ये भी बहुत कॉमन है, यहाँ पर कॉमन टीम बनेगी। अगर आपने नीचे से रिस्क लिया तो हार जाओगे, क्योंकि नीचे कोई रिस्क लेने लायक है ही नहीं। तो बाकी अगर मैं आगे बात करूँ तो ये 5 प्लेयर आपके डन हो गए, और जो डिफेंडिंग साइड है वो आप स्ट्रॉन्ग रखो अर्जेंटीनस जूनियर की तरफ से, क्योंकि वो टीम रैंक में थोड़ा सा इनसे आगे है, जिसमें से पहला प्लेयर है एफ एल्वरस, दूसरा है आर वेगा, ठीक है, जो कि इनका सेकेंडरी डिफेंडर है इनकी टीम का, और थर्ड डिफेंडिंग पे है गैल्वन के बाद अगला प्लेयर है सेंटा मारिया, और एक जो हमारे पास ऑप्शन बच रहा है उसके साथ मैं जाऊंगा, जी गोनी, क्योंकि मैं इंशुआ के साथ नहीं जा रहा। हालांकि इंशुआ अच्छा है, मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन गोनी भी बहुत अच्छा है। मैं गोनी के साथ जानबूझ के रिस्क ले रहा हूँ इस मैच में कि हमारा क्लैश ना हो। और गोलकीपिंग की बात करें तो एस मोआनो के साथ यहाँ पर अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं क्लियरली जा सकता हूँ, बट क्या है कि उसकी इंजरी थी लास्ट कुछ मैचेस में, तो मुझे नहीं पता कि वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि इनके पास गिनती के 3 गोलकीपर्स हैं और इन्होंने तीनों को चांस दिया है, जिसमें से लेटेस्ट चांस जो मिला था वो मिला था आर फरेरो को। अब मुझे नहीं पता फरारियो आज आएगा कि नहीं आएगा, तो अभी आप किसी को भी सेव करके रख लीजिए, क्योंकि एक ही खेलेगा। और बात करें कैप्टन की, कप्तान जो है वो, देखिए इतने सारे प्लेयर्स में मेरी राय आपको रही रहेगी कि आप डिफेंडर पर भरोसा करके एल्वरेस के साथ जाइए। वाइस कैप्टन या तो वेगा को रखो या आप रखो रोमेरो को, ठीक है, ये आप पे डिपेंड है। इफ़ यू वॉन्ट टू टेक रिस्क तो रोमेरो के साथ, अगर नहीं लेना तो वेगा के साथ। अब आप देखिए ये हमारी टीम है जिसमें कैप्टन मेरा डन है, कंफर्म है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।